से जहां गृहमंत्री अमित शाह आज कांकेर दौरा करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे, भोजराज के लिए अब वोट मांगेंगे। आपको बता दें इसके लिए नरहर देव स्कूल मैदान में पांडाल तैयार किया गया है। सुबह 9 बजे अमित शाह के पहुंचने की संभावना है। नक्सल प्रभावित इलाका है कांकेर। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जारी है। आज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज के चुनाव प्रचार के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, आज 9 बजे के आसपास पहुंचने का कार्यक्रम है अमित शाह का, किस तरीके की तैयारियां उसके मद्देनजर नजर आ रही है वहां पर? देखिए, अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर आज तक कांकेर में उनकी सभा नहीं है, बल्कि कल शाम से वो रायपुर में है और कल देर रात तक वो संगठन के आला जो नेता है संगठन के, जो उनकी बैठक ली और तमाम पूरी की पूरी जो 11 सीटें हैं उस पर मंथन किया कि आखिर कौन सी सीट पर कहाँ क्या स्थिति है प्रदेश में भाजपा की, और उसके हिसाब से कहाँ अगर थोड़ी सी जहाँ कमी है, जहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, उन इलाकों में उन सीटों पर किस तरह से समय रहते समस्याओं को दूर किया जाए, इस पर भी मंथन किया। और उसके बाद आज कांकेर में उनकी एक आम सभा है। आम सभा को देखते हुए, जैसा कि नीरज की रिपोर्ट अभी देख ही रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, कितना सेंसिटिव इलाका है कांकेर, ये सारी चीजें हैं ही। लेकिन कांकेर लोकसभा सीट के बारे में एक बात और बता दें ज्योति, की ये वो सीट है जो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी आसान लग रही थी और बहुत ही कड़े मुकाबले में बीजेपी को जीत मिली। महज 5,700 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी जीते थे, जो लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी कम अंतर माना जाता है। ऐसे में इस सीट पर बीजेपी को पता है कि काफी चुनौतीपूर्ण है, और यही एक कारण है कि बीजेपी ने अपने जो प्रत्याशी सिटिंग एमपी थे उनका उनकी टिकट काट दिया उनकी, और उनकी जगह भोजराज नाथ जो दूसरे मौका दिया है, जबकि कांग्रेस को अपने पुराने प्रत्याशी पर ही भरोसा है और उन्होंने बीरेश ठाकुर को फिर से मौका दिया है। और इस लोकसभा सीट में जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो विधानसभा तीन विधानसभा क्षेत्र है बालोद जिले की, वो तीनों के तीनों कांग्रेस के पास है। कांकेर लोग जो जिले की बात करें उसमें भी एक सीट कांग्रेस के पास है और उसके अलावा बीजेपी के पास, और कुछ इलाका नारायणपुर का आता है वहां पर भी ट्राइबल्स और जो नक्सल समस्या से जूझ रहे लोग हैं उनकी समस्याएं हैं। और दूसरी अगर समस्याओं की बात करें, जब बालोद आ जाते हैं तो सिर्फ और किसान का है, चुनिंदा कुछ कम सीटों में शामिल है जिसमें मुद्दे अलग अलग हैं। जैसे कुछ इलाकों में सिर्फ किसानी का मुद्दा है, कुछ इलाकों में ट्राइबल्स की अपनी जो समस्याएं हैं वो मुद्दा है, धर्मांतरण भी इस सीट पर कुछ इलाकों में मुद्दा है, इस सीट पर कुछ इलाकों में नक्सल समस्या बेहद गंभीर मुद्दा है। ऐसे में और फिर उसके बाद किसान और जो ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स के बिजनेस करते हैं उनसे भी जुड़ा एक बड़ा इलाका कांकेर लोकसभा सीट में आता है। तो कांकेर का जो एक समीकरण है उसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश अलग अलग हिस्सों में की जाएगी, और यही कारण है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो तो भी कांकेर सीट के आसपास किया जाता है, ताकि कांकेर की जनता को भी वहां बुलाया जा सके। जब बस्तर में हुआ और अभी जो प्रस्तावित है धमतरी में, वहां पर भी कांकेर के लोग पहुंचेंगे क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है। गृह मंत्री वहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार 3 दिन तक दौरा करते हैं, इसके अलावा राजनाथ सिंह की सभा भी वहीं आयोजित कराई जाती है उसी लोकसभा क्षेत्र में। और इसके पहले जब चुनाव में एंटर करते हैं तो लगातार 3 दिन तक अलग अलग इलाकों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सभा होती है, तो बीजेपी कितना अहम मान रही है उस सीट से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है ज्योति। बिल्कुल, बीजेपी कितना अहम मान रही है ये तो दिख रहा है नीलेश, और आपने जैसा कि बताया अभी कि पिछली बार के चुनाव में बहुत कांटे की टक्कर रही थी, उस लिहाज से अगर हम कांग्रेस की बात करें तैयारियां जरूर हो रही है, लेकिन वो तैयारियां कहीं नजर उस तरीके से नहीं आ रही है। देखिए ज्योति, ऐसा कहना थोड़ा सा जल्दबाजी ये भी होगी, क्योंकि कल अगर कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेताओं में से किसी एक प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ बुलाती है तो उसमें से एक सभा उनकी कांकेर लोकसभा क्षेत्र के बालोद में ही कराई जाती है, तो कांकेर में कांग्रेस भी उतनी ही फोकस्ड है। हालांकि कांग्रेस के पास आप देखेंगे कि तो छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ के सिनारियों में कोई बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता अब तक नहीं आए हैं, जो बड़े नेता जिनको कहा जाए, तो उसमें जितने भी लोग आ रहे हैं तो उसमें राजनांदगांव और कांकेर, राहुल गांधी आए तो उनका बस्तर में दौरा कराया गया, उसमें भी कांकेर के लोगों को बुलाया गया था। जैसा कि नरेंद्र मोदी की सभा में बीजेपी समर्थकों को कांकेर लोकसभा से बुलाया गया था, वैसे ही राहुल गांधी की सभा जब हुई बस्तर में तो उनको भी कांकेर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी का भी प्रचार किया गया और लोकसभा क्षेत्र के लोगों को भी शामिल करवाया गया। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी आती हैं तो कांकेर में ही उनका उनकी भी सभा कराई जाती है। खुद मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल,
वो भी राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं और वो बॉर्डर इलाका कांकेर लोकसभा क्षेत्र से लगता है, तो कांकेर में भी प्रचार के लिए जब भी जरूरत पड़ रहा है वो खुद भी जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आला नेता भी वहां पर फोकस है। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पे अपने अपने तरीके से जितनी कोशिश हो सकती है उस सीट के लिए कर रही हैं। जी और कांग्रेस के लिहाज से अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें मजबूत इस सीट पर नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में तो कड़ाई से लड़ी ही थी मजबूती से, लेकिन विधानसभा चुनाव के परिणाम भी जो आए 2023 में जबकि कांग्रेस को हार मिली, लेकिन इस लोकसभा सीट में काफी अच्छा रिजल्ट कांग्रेस का रहा है। तो उस लिहाज से कांग्रेस भी यहाँ काफी मजबूत है। जी नीलेश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।